दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक की अगर ऐसी कोई अदाकारा है जिन्होंने अपने उस रुतबे को आज भी बरकरार रखते हुए खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है, तो वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ही हैं, जिनकी फिल्में न्यू जनरेशन ऑडियंस का भी एंटरटेनमेंट करने में बॉलीवुड के कई स्टार्स को फेल कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनकी कामयाबी के पीछे का क्रेडिट आप सभी सिर्फ रवीना टंडन की कड़ी मेहनत और मशक्कत को देते हैं, उनके पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दूसरे अभिनेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम करके रवीना टंडन के करियर ने कुछ इस तरह का मोड़ लिया कि इनकी पूरी किस्मत ही पलट गई। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में आप उन्हीं बॉलीवुड अभिनेताओं के बारे में जानेंगे जिनके साथ काम करके बदली है रवीना टंडन की किस्मत। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कौन है वो अभिनेता। नंबर वन, अजय देवगन। जी हाँ, सिंघम कहे जाने वाले अभिनेता अजय देवगन का रवीना टंडन के करियर को आबाद बनाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले तो आपको याद ही होगी, जो रवीना टंडन की वो फिल्म थी जिसमें रवीना टंडन की जोड़ी अजय देवगन के साथ इतनी ज्यादा पसंद की गई थी कि इसके बाद ही इनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, और वो भी सिर्फ अजय देवगन की बदौलत। इसीलिए तो आज अजय देवगन की मेहरबानी से रवीना टंडन अपने करियर में कुछ इस तरह से छाई हुई हैं कि आज भी इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं। नंबर दो, गोविंदा। रवीना टंडन 90 के दशक की उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने मशहूर अभिनेता गोविंदा के साथ एक दो नहीं बल्कि कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिनमें दूल्हे राजा में दूल्हे राजा तो आज भी लाखों लोगों की फेवरेट फिल्म बनी है। में राजा और किरण के किरदार को निभाने वाले ये कलाकार इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि आज भी रवीना टंडन को गोविंदा की हीरोइन कहा जाता है। इसीलिए तो रवीना टंडन के करियर को 90 के दशक में ही सफलता का वो मुकाम हासिल हो गया था जिसे पाने में सितारों को सालों लग जाते हैं। नंबर तीन, अनिल कपूर। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के झक्कास एक्टर कहे जाने वाले अनिल कपूर ने भी रवीना टंडन के करियर को सफल बनाने में अपनी बेहद अहम भूमिका निभाई है, और वो ऐसे ही जब रवीना टंडन साल 1997 के करीब गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रही थी, तब अनिल कपूर ने ही इन्हें एक नया मोड़ दिखाते हुए अपनी सुपरहिट फिल्म घरवाली बाहरवाली में काजल के किरदार के लिए अप्रोच किया था, और इन्हीं के कहने पर फिल्म मेकर्स ने ये रोल रवीना को ऑफर किया था, जिसके बाद रवीना टंडन ने ये किरदार निभाकर दर्शकों से कितनी तारीफें बटोरी उससे तो आप पूरी तरह से वाकिफ हैं ही, जिनकी ये फिल्में याद करते ही हमारे जहन में सबसे पहला नाम रवीना टंडन का आता है। चार, अक्षय कुमार। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि रवीना टंडन को एक मशहूर अदाकारा ही नहीं बल्कि मस्त मस्त गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें ये टाइटल सिर्फ अभिनेता अक्षय कुमार की बदौलत ही मिल पाया। जी हाँ, साल 1994 की सुपरहिट फिल्म मोहरा में साथ नजर आई रवीना टंडन और अक्षय कुमार की ये खूबसूरत जोड़ी खूब फेमस हुई थी, जहां अक्षय के साथ रवीना टंडन की जोड़ी को बेहद ज्यादा पसंद किया जाता था, और इसी तरह रवीना टंडन के करियर को टॉप पर पहुंचाने में अक्षय कुमार की सबसे अहम भूमिका मानी जाती है, जिनके आज भी लाखों लोग दीवाने हैं। पाँच, यश। बाबू अभिनेत्री रवीना टंडन को सुपरहिट बनाने के पीछे अभिनेताओं की मुख्य भूमिका के बारे में और अभिनेता यश का नाम ना लिया जाए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। ये पहले वो एक्टर हैं जिन्होंने रवीना टंडन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अलग तरह की पहचान दिलाई है, जो जल्द ही अपकमिंग फिल्म KGF चैप्टर 2 में नजर आने वाले हैं। और जब से रवीना टंडन का नाम यश की इस फिल्म के साथ जुड़ा है, तभी से रवीना टंडन को बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी एक अलग मुकाम मिल गया है, जिसमें हमें रवीना टंडन मुख्य भूमिका के तौर पर प्राइम मिनिस्टर रमिका के किरदार में नजर आने वाली हैं, जिनके चर्चे इन दिनों चारों तरफ हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि रवीना टंडन की किस्मत बदलने में इनकी कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ साथ इन मशहूर अभिनेताओं की भी बेहद अहम भूमिका है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।